तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एआर एजुकेशनल हब। तो स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पे एआर एजुकेशनल हब में। जैसा कि मैं आप लोगों को बतला दूं, जो महाराष्ट्र के एजुकेशन मिनिस्टर हैं वर्षा जो हैं वर्षा गायकवाड़, उन्होंने ये घोषणा कर दी है कि एग्जाम जो है वो अभी कंडक्ट नहीं कराई जाएगी, एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने यहाँ पर बड़ी घोषणा की है कि एग्जाम को हम पोस्टपोन कर रहे हैं। जो एग्जाम मई से स्टार्ट होनी थी वो हम जून से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कोरोना वायरस का जो वर्ष है वो और बढ़ता जा रहा है, कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे समय में एग्जाम नहीं लेनी चाहिए। मैं फिर से आप लोग से रिपीट कर दूं, वो वही वर्षा गायकवाड़ हैं जो कुछ दिन पहले आप लोगों से कह रहे थे कि एग्जाम बेहद जरूरी है, एग्जाम होनी ही चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि एग्जाम पोस्टपोन होगी। और फ्रेंड्स चलिए मैं बता दूं आप लोगों को कि आप लोग मेरे यूट्यूब वीडियो पे इसलिए जुड़े हो क्योंकि मैंने कहा आप लोगों को कि कौन कौन से स्टेट जो है जो ये बड़ी बात कह सकते हैं, जो ये डिसीजन ले सकते हैं कि आपके स्टेट में एग्जाम नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं बता दूं, महाराष्ट्र सरकार ने ये घोषणा की है। अब देखिए, अब कुछ स्टेट ऐसे हैं जैसा कि तमिलनाडु की भी सरकार ये कह रही है कि हमारे स्टेट में बोर्ड की परीक्षा नहीं ली जानी चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस यहाँ पर भी लगातार बढ़ रहा है, विकराल रूप धारण किया हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर भी बोर्ड की परीक्षा नहीं लेने की स्थिति बताई जा रही है। वही मैं कह दूं दिल्ली की, तो दिल्ली के जो सीएम है अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने भी कहा है कि हमारे स्टेट में यहाँ पर एग्जाम लेने की कोई संभावना नहीं है, ज्यादा से ज्यादा चांसेस हैं कि एग्जाम नहीं ली जाएगी। वही मैं आप लोगों को बतला दूं कि वहीं के जो शिक्षा में वहां के जो उप जो मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी ने, उन्होंने भी कहा है कि एग्जाम जो है नहीं लेना चाहिए ऐसे समय में जब कोरोना लगातार बहुत ही विकराल रूप धारण कर चुका है, तब ऐसे समय में एग्जाम नहीं लेना चाहिए। फिर वही मैं बता दूं एमपी की जो सरकार है वहां पर भी कहा जा रहा है कि अभी एग्जाम नहीं लेना चाहिए। फिर सेलिब्रिटीज जो है वो भी आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट कर रहे हैं कि एग्जाम अभी ना हो, क्योंकि अगर एग्जाम होती है तो जो केसेस हैं कोरोना के वो और भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि जो बच्चे एग्जाम देकर आएंगे वो और भी ज्यादा अफेक्टेड कर सकते हैं। अगर किन्हीं को भी कोरोना होता है तो वो ज्यादा ही अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात अभी तक सामने आई है और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कुछ लोग कह रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, आप लोगों को फोकस करना है अपने, बस ओनली ऑन अपने स्टडी पे फोकस करना है, क्योंकि अगर एग्जाम होगी, जब एग्जाम पोस्टपोन हो गया है तो एग्जाम जब अगर होगी तो जाहिर सी बात है एग्जाम अब कैंसिल नहीं होगा, एग्जाम कैंसिल होने की कोई संभावना बिल्कुल ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है अब एग्जाम जब होगी तो आपको एग्जाम देना ही पड़ेगा, तो उसके लिए आपको बिल्कुल पूर्ण रूप से प्रिपरेशन करना ही पड़ेगा, अब आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स स्टार्ट हो जाइए, आप लोग प्रिपेयर कीजिए अपने आप को, जो एग्जाम मई में होनी थी वो अब जून में हो सकती है, जुलाई तक जा सकता है, ठीक है। तो मेरा बस यही रिक्वेस्ट है आप सभी से कि बिल्कुल पढ़ाई कीजिए बिना कोई टेंशन का, जो भी हो सके आप लोगों से आप लोग बिल्कुल पढ़ाई कीजिए और जहां तक हो सके वहां तक प्रिपरेशन कीजिए, ओके। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज इस चैनल को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से, तब तक के लिए धन्यवाद।